नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारी अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं एसएससी वगैरह की, उसमें इनमें से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो में संकलित कर लिया गया है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी इसमें वीडियो में लिया गया है। और हो सकता है आगे जो भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी के एक सीरीज पार्ट बाई पार्ट चलाएंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि अगर आपके आगामी परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आता है तो वो इन्हीं वीडियो में से आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखेगा, जब आपकी परीक्षा होगी तब आपको बस इस वीडियो को रिविजन तौर मात्र पे देखना है। 101% आपको अपने प्रश्न पत्र में इसमें से संबंधित प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शीर्ष पर है। तो कौन सा शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर सी लाहौर। लाहौर हमारा शीर्ष पर है। अब लाहौर शीर्ष पर होना तो लाजमी है, जब इतने बम बनेंगे तो फिर प्रदूषण जाएगा कहाँ? जाएगा तो उन्हीं के यहाँ घुसेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा? मेजबानी किस देश ने करी थी? तो करने वाला कौन था? भारत। हमारा भारत देश था, उसने शंघाई शिखर संगठन का मेजबानी की थी। अब शंघाई में एससीओ से जो है हमारे सदस्य इसके इसके कौन है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है? द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी फुल फॉर्म है। अच्छा, हाल ही में एक चीज आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि नौवा देश बना है, पहले 8 थे, अभी हाल ही में नौवा देश बना है तो कौन सा बना है? ईरान। इससे पहले भी हमारे जो 8 देश थे उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एससीओ के पुराने 8 देश हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और पाकिस्तान। कौन कौन से? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, वो रूस और पाकिस्तान, ये हमारे 8 देश हैं। ईरान हमारा नवा अभी अभी देश बना हुआ है एससीओ का। एससीओ की फुल फॉर्म हमने आपको बताई था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी नोट करते रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एमबी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से अभी जो क्रूज सेवा चलाई गई थी, विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा और सबसे बड़ा क्रूज भी जो विश्व का है वो ही वही यही एमबी गंगा विलास ही है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच की दूरी कितनी तय करी गई? तो कितनी तय करी गई? 3200 किलोमीटर की दूरी तय करी गई। सबसे लंबी दूरी तय करी गई है और वो भी की गई है 3200 किलोमीटर की। अब इसके बाद हम देखिए, जैसे ये नोट में आप देखिए लिखा भी है कि वाराणसी सिटी से डिब्रूगढ़ के बीच की दूरी कितने दिनों में तय करी गई? 51 दिनों में तय करी गई। ठीक है, एमबी गंगा विलास विश्व की सबसे बड़ी क्रूज नदी सेवा है, सबसे बड़ी विश्व की क्रूज नदी सेवा है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन की, कि हाल ही में CIDCO के MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सिडको के MD के पदभार के रूप में किसने संभाला है? तो हमारे अनिल दिग्कीकर ने संभाला है। जो हमारे MD हैं नए, वो कौन है? अनिल दिग्कीकर हमारे नए MD हैं। अच्छा, सिडको की फुल फॉर्म भी अगर मान लीजिए पूछ ली जाए तो वो है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी है? सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारी सिडको की फुल फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में किसने अपना उपन्यास, देखिए अगर यूपी के आप रहने वाले हैं और यूपी से संबंधित पेपर देने वाले हैं तो फिर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। देखिए क्या है कि अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। तो किसने किया अजय टू योगी आदित्यनाथ? तो करने वाले हैं हमारे शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी ने अजय टू योगी लॉन्च किया है। हो सकता है यूपी में जब आप प्रश्न पत्र में आपको परीक्षा दे रहे हो तब आपको ये प्रश्न करंट अफेयर में मिले देखने को। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अभी BOB ने ही क्या कहते हैं नगद निकासी की UPI की सुविधा शुरू कर दी है, करने वाली बैंक बन चुकी है। अच्छा, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मझगांव डाक ने समझौता किया है हमारा जर्मनी के साथ में। किसके साथ में? जर्मनी के साथ में समझौता किया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण
के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? कौन सा अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो कौन सा है वो? हरियाणा। हरियाणा ही हमारा क्या करेगा, अभियान शुरू करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में किसने पहले भारत के नामीबिया संयुक्त आयोग को सह अध्यक्षता की है? किसने की है सह अध्यक्षता? तो करने वाले हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं हमारे और काफी अपने बातों के लिए प्रसिद्ध, फेमस रहते हैं, अपने व्यक्तित्व के लिए भी फेमस रहते हैं। तो एस जयशंकर इन्होंने व्यक्त की है। अच्छा, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो किस देश के लिए रवाना हुआ है हमारा? श्रीलंका के लिए। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? कैसी स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो कौन सा? इसराइल। इसराइल ने स्वचालित का परीक्षण किया है। उसके बाद आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसके बारे में जो दिमाग पे लगने का, डिमित्री इट्सकोव एक है वैज्ञानिक, तो उन्होंने भी जैसे दिमाग में चिप लगाकर उसमें अपना जो डाटा है उसको स्टोर करने के ऊपर काम चल रहा है, जिससे मस्तिष्क में जो भी हमारा डाटा, मान लीजिए हम लोग भूल जाते हैं, तो एक कंप्यूटराइज्ड तरीके से मस्तिष्क में चिप लगाकर उसको आगे तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, उस पर भी इसराइल में काम चल रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाल ही में विश्व ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का हम लोगों लगाया है? 6.3%। और अभी हाल ही में हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 600 बिलियन के आसपास जो है वो हो चुका है, और आने वाले वर्ष 2024-25 तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन का भी फॉरेन रिजर्व हमारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी जो वर्तमान में है वो कितना, लगभग 600 बिलियन के आसपास बन गया है फॉरेन रिजर्व हमारा। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो जन औषधि खोलने की कितनी अनुमति दी है? तो ऑप्शन नंबर सी 2000। कितनी? 2000, यानी कि 2000 खोलने की अनुमति दी है। अच्छा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 108वीं, ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है हमारा, कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र के नागपुर में अभी हुआ है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी 108वीं की? तो 108वीं की थीम थी हमारी महिला सशक्तिकरण। कौन सी, क्या थीम थी? महिला सशक्तिकरण। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश, यानी कि सबसे नया देश अभी जो यूरोपीय यूरो यूरो को अपनाने वाला वो देश है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया हमारा अभी हाल ही में नवीनतम देश है, ये नया देश है। अच्छा, एक और बात कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। और क्रोएशिया भीषमा देश बना कौन सा भीषमा देश नहीं है यहाँ पे, कौन सा है? 20वां देश है, ठीक है, 20वां देश यूरो को अपनाने वाला बना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो पहली महिला सैन्य अधिकारी है शिवा चौहान। कौन है? पहली महिला सैन्य अधिकारी शिवा चौहान। इसके बाद हम बात करेंगे गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मनोहर पारिकर के नाम पर मोपा इंटरनेशनल का नाम बदलकर कर दिया गया है। अच्छा, काले गैंडे के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, बॉन्ड किसने जारी किया? आप देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड रुपए से संबंधित होता है, तो कौन कर सकता है? तो हमारा वर्ल्ड बैंक कर सकता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अभी हम बात करेंगे तो वॉशिंगटन किसमें है? डीसी में है, ठीक है। बॉन्ड है, बॉन्ड से संबंधित क्या होता है? वर्ल्ड बैंक हो गया। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हमारा क्या हो गया? वॉशिंगटन डीसी हो गया। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ, 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है हमारा? मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर ही हमारी सबसे स्वच्छतम सिटी के रूप में प्रथम स्थान पर अभी प्राप्त किया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसके बारे में बात करें कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद इरफान इसके चीफ गेस्ट थे। विश्व का सबसे बड़ी
नदी क्रूज सेवा, अभी हमने आपसे बात कर रहे थे ऊपर की गंगा एमवी गंगा विलास, तो जो कि जिसने के 51 दिनों में दूरी तय करी, और कितनी तय करी, 3200 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करी। कहाँ से तय करी? तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय की, जो कि कितनी थी, 3200 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया। तो किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, महाराष्ट्र के साथ में। किसके साथ में? महाराष्ट्र के साथ में समझौता किया है। इसके बाद हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में आयोजित यू19 महिला तथा T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? रन ऑफ भारत रहेगी, भारत रही है हमारी विजेता टीम। और ये काफी गर्व की बात है, क्योंकि पहली बार जो आयोजित हुआ यू19 महिला विश्व कप की 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो फिर भारत है। और उपविजेता किसको हरा कर बनी है? तो इंग्लैंड को। उपविजेता कौन थी? इंग्लैंड। अब 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? जो अभी मिस यूनिवर्स 2022 था, उसकी विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो वो किस देश से है हमारा? दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले कौन थी, हरनाज सांधु थी, हरनाज सांधु, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है भारत से। किसे? भारत से। और भारत की हरनाज सांधु ने ही आर बोनी गैब्रियल को मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया था। ये रीति होती है कि जो उससे पहले होता है उस वो ही ताज क्या कहलाता है, अगले मिस यूनिवर्स को पहनाता है। अब हरनाज सांधु ने इससे पहले 70वें मिस यूनिवर्स की उपविजेता रही है, ठीक है। केंद्र सरकार का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो पहला ऑनलाइन गेमिंग कहाँ स्थापित करेगी? तो कहाँ करेगी? हमारा शिलांग में करेगी। कहाँ पे करेगी? ऑप्शन नंबर डी, हाँ, शिलांग में हमारा पहला गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। अब राइट साइड विजन, राइट साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? राइट साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी, अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ठीक है, राइट साइड विजन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फिर ऑप्शन नंबर राजस्थान, राजस्थान राज्य हमारा पहला राज्य बन गया है। अब एक और बात जरा नोट करने वाली है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो भी राजस्थान है। कौन सा है? वकीलों के लिए भी एक्ट लागू करने वाला, एडवोकेट प्रोटेक्शन उनके लिए लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है, बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाशा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गोल्डन कैलाशा अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? तो हमारी कौन सी है? नानेरा, कोली एसेरो या अपराजितो, या दोनों? तो हमारी है ऑप्शन नंबर ए, नानेरा फिल्म जो है वो प्राप्त करने वाली फिल्म है गोल्डन कैलाशा। अच्छा, ये कौन सी, कैसी फिल्म है? तो वो राजस्थानी फिल्म है। कैसी फिल्म है? राजस्थानी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रा स्फीति दर्ज की है। हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रा स्फीति दर्ज की है? तो किस देश ने करी है हमारे? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश ने मुद्रा स्फीति दर्ज की है, मासिक मुद्रा स्फीति दर्ज की है उच्चतम। तो दोस्तों, इसके बाद अब पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लेके आते रहेंगे, और आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। तभी आपके आने वाली परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा इन्हीं वीडियो में से, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएगा करंट अफेयर का। तब तक के लिए धन्यवाद।